स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि जिसमें हम देखते हैं आ, हमें स्टेटमेंट दी जा रही है कि डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सोल्यूशंस कुछ सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है या हमसे कहा जाएगा कि बनाएं और हमें कहा जाएगा कि आ, उनकी कंडक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करें क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते तो उनकी कंडक्टिविटी आ जाएगी कि मेजरमेंट आ जाएगी कि या हम कहते हैं कि हम देखेंगे कि इन सोल्यूशंस की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ, पर क्या देखते है? यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंड Then हम देखते हैं हमारे पास होता है बीकर देन फाइनली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ठीक है ये मेन चीजें हैं इसके अलावा हमारे पास कॉपर uh, वायर्स भी होनी चाहिए uh, हमें यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो हम यहाँ कनेक्शन के लिए या पूरा कनेक्शन बनाने के लिए कॉपर वायर्स की भी जरूरत होगी तो मेन चीजें यह हमारे पास होंगी फिर इसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं केमिकल्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया डिस्टिल्ड वाटर ठीक है इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सोल्ट ठीक है सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ गए शुगर ठीक है चीनी टेबल शुगर जो होती है जो आम चीनी हम यूज करते हैं घरों में ठीक है इसका सोल्यूशन बनाने के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा ठीक है इस, इस, ये भी चाहिए इसका भी सोल्यूशन बनाएंगे ठीक है इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं एसिटिक एसिड इसका भी सोल्यूशन बनाएंगे ठीक है इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो इसका भी सोल्यूशन जो है वो हम यूज करेंगे और देखेंगे कि इस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें से हो सकती है कि नहीं इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरह से अप्रेटर सेट करते हैं हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे पास स्टैंड जो होता है हम उसको उस सेट करते हैं ठीक है ठीके? और उसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो अटैच कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कॉपर वायर्स के थ्रू इसके साथ बल्ब को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं ठीक है और उसके बाद जो हमारा जो भी बीकर में ये हमारे पास बीकर आ गया बीकर में सोल्यून बनाया हुआ होता है ये सोल्यूशन जिस सोल्यूशन किस चीज का हो सकता है शुगर सॉल्ट या जो भी हमने सोल्यूशन बनाने का कहा जाएगा हम उसका सोलूशन बनाएंगे ठीक है और इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली इस सोल्यूशन में डिप करेंगे और उससे हमें पता चलेगा बल्ब लाइट हुआ है कि नहीं हुआ अब ऐसे करते हैं कि इसकी हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ठीक है हमें उससे अंदाजा हो जाएगा कि हम परफॉर्म किस तरह से करना है ठीक है कुछ सोल्यूशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे ये साइंटिस्ट परफॉर्म करने लगे हैं ठीक है थीके? इसके अंदर आ, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये परफॉर्म करके बताएंगे कि ये किस तरह से हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने और देखें कनेक्शन हमने किया हुआ ये स्टैंड रखा हुआ है ठीक है इसमें हमने क्या किया हुआ है ये हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोड्स आ गए ठीक है और ये हमने साथ में बल्ब को कनेक्ट किया हुआ ठीक है थ्रू कॉपर वायर्स और फिर हमने यहाँ से एक वायर जा रही है और यहाँ पे हमारे पास क्या है स्विच मौजूद है हम स्विच हमने ऑन किया हुआ है लेकिन बल्ब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक स्विच है ठीक है तो हमने यहाँ से क्या करना है बेसिकली Uh, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी या इसको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो uh, ये जो बल्ब है ये लाइट करेगा ना तो हम देखते हैं कि uh, क्या प्रोसीजर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने डिस्टिल वाटर ले लिया डिस्टिल वाटर को हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स में डिप किया तो देखें हमारे पास बिल्कुल भी यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही ठीक है इसका मतलब डिस्टल वाटर जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो यहां से हम ऐसा करते हैं कि अपने पेज पे आ जाते हैं ठीक है जिसपे हम जो है ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा ऑब्जर्वेशन ठीक है और यहाँ पर हमने इस तरह टेबल बना लेंगे एक में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और दूसरे में सोलूशन सोल्यूशन हमने किस किसके बनाए हुए एक तो हमारे पास डिस्टल वाटर था फिर सॉल्ट जो हमारे पास मौजूद था उसका सोल्यूशन बनाया शुगर का सोल्यूशन बनाया ठीक है ये भी हम बनाते जाएंगे और हम इनके कंडक्ट करते जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली अभी तक क्या है डिस्टिल वाटर है तो हमने डिस्टिल वाटर को यहाँ पे मैं किया हमने देखा कि बल्ब की रीडिंग क्या थी कि कोई लाइट नहीं थी तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो लाइट ठीक है हम यहां पर क्या लिख देते हैं नो लाइट ठीक है ये no यह हमने यहां पर लिख दिया अपनी ऑब्जर्वेशन यहां पर लिख दिया ठीक है तो ये यह हमने यहाँ पर देख लिया उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे सोल्यूशन की तरफ सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ अब इसको हमने यहां से रिमूव कर लिया ठीक है और अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे अब हमने क्या किया कि सॉल्ट लिया ठीक है ये जो आ, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड ठीक है ये आम सॉल्ट हमने लिया और ये हमने स्पेचुला से इस बीकर में डाल दिया इसमें जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था और अब हम क्या करेंगे इसको हम शेक कर लेंगे या स्टर कर लेंगे ठीक है हमने स्टर कर लिया इसको अच्छे तरीके से स्टर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसको ये सोल्यूशन बन गया सॉल्ट सोल्यूशन ठीक है अब इसको हमने इसमें डिप किया तो देखिये फॉरन से लाइट ये ऑन हो गई है ना यानी बल्ब जो है वो इट टर्न ऑन तो इस ऑब्जर्वेशन uh, को भी हम यहां पर लिख देते हैं ठीक है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है उसमें हमें क्या देखने को मिला उसमें हमें लाइट देखने को मिली ठीक है हमें ब्राइट लाइट देखने को मिली हम सिर्फ लाइट लिख रहे हैं ठीक है लाइट देखने को मिली ठीक है ना ये एक और ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई फिर हम यहां पर क्या देख लेते हैं अब हम शुगर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे ये हमने शुगर ली ठीक है और वाटर में शुगर डाली और हम क्या करेंगे यहां पर शुगर का सोल्यूशन बना रहे हैं अब इसको हमने क्या करने स्टर करना है एक और हमने बेसिकली बीकर लिया था उसमें डिस्टिल्ड वाटर लिया था ठीक है और उसमें अब शुगर मिलाकर शुगर सोल्यूशन बना लिया इसको कार्बन इलेक्ट्रोड में डिप किया और देखें बल्ब लाइट नहीं कर रहा ठीक है तो ये वाली ऑब्जर्वेशन भी हम लिख देते हैं तो यहां पर जो हमने टेबल बनाया हुआ है इसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी लाइट यहां पर हमें नहीं दिखाई दी थी, ठीक है यानी कि बल्ब जो है वो आ, लाइट नहीं हुआ ठीक है टर्न ऑफ ही रहा ठीक है ना तो यहां पर हमने ये वाली ऑब्जर्वेशन भी लिख दी ठीक है फिर हम ऐसे करते हैं कि एक एसिड सोल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रांग एसिड है इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे तो हमने यहाँ पर पिछले वाले अपने बीगर को साइड पे कर दिया ठीक है एक और बीगर लिया इसके अंदर डिस्टल वाटर है देखिए इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे एसिड डालेंगे ठीक है एसिड की फ्यू ड्रॉप्स भी काफी होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन देखें डिस्टल वाटर अभी भी कंडक्ट नहीं कर रहा है ना लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालूंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप डाले ठीक है ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके फ्यू ड्रॉप्स भी काफी होंगे और अब देखिए कि ये बल्ब जो है फॉरन से ब्राइट लाइट दे रहा है ना तो ये ऑब्जर्वेशन भी हम यहां पर नोट कर लेंगे कि हमारे पास क्या आ गई ब्राइट लाइट आ गई हम चाहे तो सिर्फ लाइट लिख देते हैं ठीक है ये हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया ठीक है ना तो ये हमारे पास यहाँ ऑब्जर्वेशन आ गई अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एसेटिक एसिड acid लिया वो एक वीक एसिड होता है इसका सोल्यूशन बनाएंगे डिस्टल वाटर के एक और बिगड़ लिया उसके अंदर हमने क्या किया एसेटिक एसिड डाल दिया ठीक है और एक सोल्यूशन बन गया अब देखें डिम सी लाइट हमारे पास आ गई है ना ये एक डिम लाइट आ गई यानी कि बल्ब लाइट तो हुआ है लेकिन देखिए इसकी जो रोशनी है वो कम है डिम लाइट है ठीक तो हम क्या करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन भी नोट कर लेते हैं तो यहां पर हम अपने जो हमारे पास टेबल है इसमें हम इसके पास हम वापस आएंगे और हम देखते हैं हम यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे डिम लाइट ठीक है यह ये हमने यहां पर लिख दिया डिम लाइट ठीक है इसके बाद हम क्या देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्सऑक्साइड सोल्यूशन है ये हम बनाएंगे और इसके ऊपर भी हम कर लेंगे इसी तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया ठीक है अभी हमने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर को चेक किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया उसका सोल्यूशन और उसके फ्यू ड्रॉप्स हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाले तो देखें उसके बाद जब हम इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स में डिप किया तो देखें कैसे ब्राइट लाइट आ रही है हमारे पास ठीक है ना तो ये भी ऑब्जर्वेशन हम नोट कर लेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे लाइट कि हमारे पास क्या आ गई लाइट आ गई थी ठीक है यानी कि द बल्ब टर्न ऑन ठीक है बल्ब की रीडिंग क्या थी कि हमें लाइट दी इसने ठीक है इट गेव इट गेव लाइट ठीक है तो ये यह हमने यहां पर ऑब्जर्वेशन लिख लिया अपने ठीक है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया उसके बाद सोल्यूशंस में हमने सोल्यूशन लिखे बल्ब रीडिंग में हमने लिखा कि इधर इट गेव लाइट और इट डिजेंट ठीक है और इट डिजेंट तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्वेशंस लिख ली ठीक है अब हम इससे नतीजा अखस्त करेंगे इन्फ्लुएंस आएगा ठीक है ना और इन्फ्लुंस में हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो सोल्यूशन है वो कंडक्शन शो करते हैं कि नहीं करते तो हमने ये चीज अब यहां पर मेंशन करनी है ये चीज कैसे मेंशन करेंगे कि देखें डिस्टिल वाटर ने लाइट नहीं दी इसका मतलब है कि ये क्या है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट किस वजह से क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट uh, वो होते हैं जो हम देखते हैं कि वो जब सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो क्या करते हैं कि वो आइंस देते हैं ठीक है थीके? हमारे पास आइन्स आ जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं किसकी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्टिल वाटर में तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया था ना तो उसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इसने क्या दिया था इट गेव लाइट ठीक है देन शुगर सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास नो लाइट क्योंकि शुगर जो है उसको वो आइंस नहीं देता वाटर में जाके ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वाटर में जाता है तो हाइड्रोजन आइन्स और क्लोराइड आइंस देगा ठीक है तो आइन्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाइट बल्ब जो है वो लाइट देगा इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट है ये ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ये जो है वो डिम लाइट देता है इसका मतलब है ये क्या है एक ये इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम यहां लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि जब एसिडिक एसिड acid का सोल्यूशन होता है उसमें हम देखते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है ठीक है और हम देखते हैं कंप्लीट ब्रेक डाउन इन टू इट्स रिस्पेक्टिव आइंस नहीं होती है बल्कि थोड़े से आइंस बनते हैं तो थोड़ी सी कंडक्शन होती है इसलिए डिम लाइट होती है एंड फाइनली हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हमने देखा था कि इसमें भी ब्राइट लाइट थी तो हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल था टू डिमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सोल्यूशंस जिसमें हमने डिफरेंट सोल्यूशंस लिए और उनका हमने देखा कि जब हम पूरा कंप्लीट एक हम पूरा सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें हमने देखा कि क्या बल्ब लाइट हो रहा था किसी सोल्यूशन की वजह से या नहीं हो रहा जो सोल्यूशन की वजह से जिस सोल्यूशन की वजह से लाइट बल्ब जो था वो लाइट अप हो रहा था तो हमें पता चला वो कंडक्टिव है ठीक है क्योंकि उसको हमने कहा कि वो इलेक्ट्रोलाइट है और जिस सोल्यूशन से बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा था तो हमने कहा वो नॉन कंडक्टर डेफिनेटली होगा इसलिए हमने उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा